गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू आवर लेक्चर नंबर 4, बेसिक्स ऑन स्टॉक मार्केट। दैट्स अ टॉपिक इज व्हाट इज ट्रेडिंग। वो तो हो गया था, नहीं, नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कितने प्रकार के ट्रेडिंग है जो हम कर सकते हैं मार्केट में, जो ऑफिशियल है वो ट्रेडिंग के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। सो स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेंगे कौन सा हमने टॉपिक कवर किए थे अभी तक के। मालिक, यहाँ पे हमने कवर किया था फर्स्ट लेक्चर में ये दो टॉपिक, सेकंड लेक्चर में फिर ये दो टॉपिक, थर्ड लेक्चर में ये टॉपिक, फिर फोर्थ लेक्चर में ये दो टॉपिक। अब हम कवर करने जा रहे हैं ये वाला टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। उसके बाद कवर करेंगे इक्विटी ट्रेडिंग क्या होता है, डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, इक्विटी ट्रेडिंग में डिलीवरी और इंट्राडे क्या होता है, ये सब चीज ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे मालिक। ठीक है, मोस्टली ये वीडियो में कवर होगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम शिफ्ट हो जाएंगे अगर लेंदी हुआ तो। मेरा टारगेट यही है कि 10 से 15 मिनट के अंदर में एक एक टॉपिक मैं कवर करूँ। ठीक है, चलो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले सभी लोग को तहे दिल से धन्यवाद। प्लीज़ आप ऐसे ही आपका सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं मालिक। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या होता है। हम देखे बाय सेल करने का जो कॉन्सेप्ट था, एक एग्जाम्पल के द्वारा, हम आईपीओ के एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझे थे कि ट्रेडिंग ऐसा बाय और सेल होता है करके, उसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं करके। ठीक है, अब मालिक आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कितने प्रकार के ट्रेडिंग। ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट है यहां पे, सबसे पहला इक्विटी ट्रेडिंग होती है, उसके बाद डेरिवेटिव, उसके बाद होती है कमोडिटीज, उसके बाद होती है मालिक करेंसी ट्रेडिंग और हम एक और लेते म्यूचुअल फंड इज अ नॉट अ ट्रेडिंग बट यस, एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, ये भी एक कनेक्ट है स्टॉक्स के साथ, शेयर्स के साथ, तो इसलिए मैं इसे कैलकुलेट करूंगा एज अ ट्रेडिंग। ठीक है, टोटल कितने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 प्रकार के ट्रेडिंग हम एट प्रेजेंट कर सकते हैं जो ऑफिशियल है इंडिया में। उसके अलावा एक और जो ट्रेडिंग है वो है क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग। आपने सुना होगा, बहुत चल रहा है मार्केट में। इंडिया में ऑफिशियली या लीगली कुछ है नहीं उसके बारे में, तो हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। यस, जो भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, क्रिप्टो क्या होता है उसमें। मैं भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत क्रिप्टो पे हम करते हैं बट ज़्यादा नहीं, लाइक जितना हम इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज के साथ करते हैं बाय सेल, उतना क्रिप्टो पे मैं नहीं हूँ। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे इक्विटी में कितने प्रकार के ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। इक्विटी में मालिक 2 प्रकार के ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक ले सकते हैं एक डिलीवरी और एक इंट्राडे। यहाँ पे 2 प्रकार के हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कौन से, एक डिलीवरी और एक इंट्राडे। ठीक है मालिक, डिलीवरी क्या होते हैं, इंट्राडे क्या होते हैं, हम और डिटेल में आगे चल के डिस्कशन करेंगे। उसके बाद डेरिवेटिव मार्केट में ना मालिक टोटल 4 टाइप आप ले सकते हैं, कौन से, एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के साथ पर्सनली बैठ के एक 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इस दोनों के बारे में हम और डिटेल में समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है। और दूसरा होती सॉरी चौथा होता है स्वैप, इसका वर्ड में ही मीनिंग है, स्वैप मतलब एक्सचेंज होना एक दूसरे के साथ, कुछ और शेयर्स आपके पास हो या फिर कुछ और आपके पास बॉन्ड है उसको कन्वर्ट करना शेयर्स में, ये सब स्वैप करना उसको, यही होता है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये होती है टोटल टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के चार्ट मालिक। समझ में आया, इक्विटी ट्रेड में कितने 2 प्रकार के ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, कौन से डिलीवरी, इंट्राडे में भी और अलग से कॉन्सेप्ट है
टाइप्स कौन से कौन से आप इंट्राडे कर सकते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव मार्केट में आप कर सकते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आप बड़े बड़े प्लेयर जो करते हैं वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑप्शन एंड फ्यूचर जो हम करते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पार्ट है हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट जो कि जस्ट एक नॉलेज के लिए अपने पास होनी चाहिए अगर इन फ्यूचर आप बड़ा ट्रेडर या फिर बड़ा इन्वेस्टर बनेंगे तो। ठीक है, बेसिक के लिए हम यहीं से शुरू करते हैं। अब इक्विटी ट्रेडिंग के लिए मालिक, इक्विटी ट्रेडिंग क्या होता है ये डिलीवरी क्या हो, इक्विटी ट्रेडिंग में डिलीवरी क्या होता है ये हम देख लेते हैं, डिलीवरी ट्रेडिंग। ठीक है, डिलीवरी मतलब आज लिया 9:15 को मार्केट होता है ओपन। ठीक है, आपको पता है इंडियन मार्केट का टाइमिंग क्या है, 9:00 to 3:30 PM यहाँ पे हम ट्रेडिंग इतने टाइम में ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीवरी ट्रेडिंग में टोटल तीन कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, तीन प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं, कौन से तीन प्रकार के कौन से कर सकते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, एक होता है मीडियम टर्म और दूसरा आता है लॉन्ग टर्म। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म क्या मतलब क्या होता है। शॉर्ट टर्म का कॉन्सेप्ट है मालिक, अगर आज बाय किया, इफ यू बाय टुडे, अगर एक या दो दिन या फिर विद इन अ वीक सेल किया, सेल टुमारो जिसे हम बीटी एसटीबी कहते हैं, अगर आज बाय किया कल सेल किया विद इन अ वीक सेल किया विद इन अ मंथ सेल किया तो आपका है होता है वो बीटी एसटी, समझे मालिक, बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, बाय टुडे सेल टुमारो या विद इन अ वीक जो होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हम कह सकते हैं। ठीक है, अभी समझो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसा लेने का एक एग्जांपल के द्वारा। अब समझो एसजीवीएन जस्ट स्टॉक है जो 8 February का आई थिंक उसकी रिजल्ट है, तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं क्या स्टडी करूंगा कि एसजीवीएन कंपनी इतने जो अच्छे से परफॉर्म किए मार्केट में, तो मैं क्या करूंगा उसके पहले 8 दिन पहले क्या करूंगा शेयर्स को बाय करके रख दूंगा, बाय करूंगा एट द रेट ऑफ जो भी मार्केट चल रहा है उसका, पर सेल कब करूंगा, अगर समझो एसजीवीएन का बाय किया मैंने 100 rupees, फॉर एग्जांपल 100 rupees, मुझे पता है उसका रिजल्ट अच्छा है तो थोड़ा सा स्टॉक बाउंस होएगा जो भी है 3-4% या फिर 5-8% दिया, तो मैं क्या करूंगा एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि इतना इनफ है विद इन अ वीक अगर आपको 4-5% अगर मिल रहा है इक्विटी कैश में, बहुत मतलब बहुत इनफ है, तो मैं उस दिन रिजल्ट के बाद एग्जिट हो जाऊंगा प्रॉफिट में। तो दिस इज कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अब मीडियम ट्रेडिंग, मीडियम का दूसरा नाम होता है स्विंग, जिसे हम स्विंग भी कहते हैं। स्विंग मतलब हो सकता है वो चार्ट पैटर्न में कुछ आ रहा हो, समझो सपोर्ट लिया हो अच्छा खासा, डे फ्रेम में कुछ अच्छा सपोर्ट लिया हो तो वहाँ पे स्विंग करेगा मार्केट, तो विद इन मंथ या फिर 2 महीना या फिर 3 महीना या फिर 4 महीना या फिर 6 महीना, तो फ्रॉम अ मंथ मेरे हिसाब से स्विंग का होता है फ्रॉम 1 month टू विद इन अ 6 month, ये होती है स्विंग ट्रेडिंग या फिर मीडियम टर्म ट्रेडिंग। अगर इतने में आपका प्रॉफिट अच्छा खासा निकलता है, अगर 10-15% का प्रॉफिट मिलता है आपको, तो आप मार्केट में ऑलरेडी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं मालिक। समझ में आया आपको, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है करके, शॉर्ट टर्म समझ में आया सबको, समझ में आया। ठीक है, मीडियम टर्म में क्या, अगर 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में अगर अच्छा खासा मार्केट का मोमेंटम है, तो हम उस पीरियड के लिए स्टॉक्स को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म, बाय टूडे टुडे सेल एनी टाइम मोर देन अ ईयर, अगर 1 साल के ऊपर आप स्टॉक रख रहे हो, 8 महीने या फिर 10 महीने के ऊपर आप स्टॉक रख रहे हो या फिर 10 साल तक रख रहे हो, वो होता है लॉन्ग टर्म। आज बाय कियो फॉरगेट, जो होता है देखा जाएगा आगे कंपनी जैसे कैसा परफॉर्म करेंगी उसके ऊपर हमें ये सेल करना होता है। समझ में आया आपको शॉर्ट टर्म तीनों,
वापस आपको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार वापस फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में कितने प्रकार के ट्रेडिंग है मालिक कर सकते हैं हम लोग, पांच। कौन से? इक्विटी, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, करेंसी, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट है, फिर भी हम उसे ट्रेडिंग में काउंट किया जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी आप कभी भी बाय खरीद सकते हो और कभी भी निकाल सकते हो वहां पे। सो दैट्स द रीजन म्यूचुअल फंड ऑल्सो ट्रेडिंग माना जाता हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है। और इक्विटी में कौन से ले सकते हैं आप पोजिशन, एक डिलीवरी होते हैं, एक इंट्राडे होते हैं। हमने अभी रिसेंटली डिलीवरी का डिस्कशन किए थे। डिलीवरी में कितने प्रकार के डिलीवरी ले सकते हैं आप, एक होता है शॉर्ट टर्म पोजिशन, दूसरा होता है मीडियम टर्म पोजिशन जिसका नाम है स्विंग, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म पोजिशन, ठीक है। समझ में आया? लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से ऊपर आप रख रहे हो, या फिर 8-10 महीने के ऊपर आप रख रहे हो, एक साल से लेकर कभी भी लाइफ टाइम तक अगर रखना है तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म रख भी रहे हो तो अब एक सवाल आता है तुम सबसे कि सर कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट है, ठीक है। देखो ये होता है, ये जो इन्वेस्टमेंट है स्विंग जो शॉर्ट टर्म में, ये मार्केट में वही लोग करो जो मार्केट में एक्टिव है एवरी डे पे, ठीक है। और दूसरा जो मीडियम टर्म है, ये मार्केट में थोड़ा थोड़ा सा एक्टिव है कि हाँ चल मेरे को पता है रोज का क्या चल रहा है, निफ्टी का क्या भाव गिर रहा है, क्या चढ़ रहा है, ये सब चीजें जो नॉलेज रख सकते हैं वो मीडियम टर्म करो। जो मार्केट के बारे में सोचता ही नहीं है, मार्केट क्या है उसको पता ही नहीं है, वो भाई इन्वेस्ट कर, कंपनी के बारे में देख, थोड़ा सा पढ़, इन्वेस्ट कर, भूल जा, बाकी देखते रहे कि तेरा प्राइस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, दैट्स इट। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मालिक, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। चलो अब हम एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी होएगा क्योंकि ये टॉपिक खत्म करके फिर हम डेरिवेटिव्स के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा एक लेंदी है, बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम क्लियर कवर करने वाले हैं। अब भाई इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब बाय टुडे एंड सेल, यू हैव टू सेल टुडे ओनली, ठीक है। मार्केट ओपन होता है कितना, 9:15 AM को। अगर तू 9:15 AM को पोजीशन बना रहे तो तुझे 3:30 PM से पहले तेरा पोजीशन निकालना बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है? अगर तू 9:15 AM को पोजीशन बना रहे तो 3:30 से पहले तेरा पोजीशन एग्जिट हो जाना चाहिए, दैट्स कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। आज ही बाई किया, आज ही सेल किया, जो भी प्रॉफिट या लॉस लिया, एग्जिट, दैट्स इट, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में दो प्रकार के ट्रेडिंग होती है, कौन सा? एक बोलते हैं लॉन्ग जाना और दूसरा बोलते हैं शॉर्ट जाना। बहुत बार हम डिस्कस करते हैं, हमारे जो ग्रुप है वहां पे भी डिस्कस करते हैं, भाई आज मैं लॉन्ग जाऊंगा क्योंकि मार्केट में मार्केट अच्छी लग रही है, तेजी लग रही है, इसके लिए मैं लॉन्ग जाऊंगा। दूसरा बोलता है नहीं भाई आज मैं शॉर्ट जाऊंगा क्योंकि मार्केट HDFC खराब है, SBI का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे गिरने वाले, तो मैं शॉर्ट शॉर्ट पोजिशन बनाऊंगा। तो शॉर्ट और लॉन्ग क्या होता है? शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग का मतलब होता है सिंपल सा, यहाँ पे मैं अच्छे कलर में ग्रीन कलर, चलो यही कलर रहते, लॉन्ग का मतलब होता है बाय, दैट्स इट, लॉन्ग का मतलब बाय, बाय। सेल का मतलब, शॉर्ट का मतलब सेल, लॉन्ग का मतलब क्या होता है मालिक? बाय। शॉर्ट का मतलब शॉर्ट माना सेल करना। एक एग्जांपल के बारे में हम समझेंगे कि शॉर्ट और लॉन्ग क्या होता है। चलो SBI से स्टार्ट कर देते हैं, SBI का रिसेंटली रिजल्ट आया है तो उसके हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। SBI का भाव चल रहा है 600 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के द्वारा 600 रुपीज भाव चल रहा है। तो मुझे एक दिन पहले मतलब आज शाम को मुझे पता चलता है कि SBI का रिजल्ट नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, ठीक है। चलो अब पॉजिटिव पकड़ के चलते हैं क्योंकि हम लॉन्ग साइड का सोच रहे हैं। लॉन्ग साइड इज इक्वल टू इज मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। SBI का रिजल्ट अच्छा आया, पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो मैं सबसे पहला सुबह क्या करूंगा, सुबह अगर इंट्राडे ट्रेड हो तो सबसे पहला 9:15 को मैं पोजिशन बनाऊंगा, कितना, 9:15 AM को मैं पोजीशन बनाऊंगा, बाय करूंगा इसको एट द रेट ऑफ, समझो उस टाइम पे भाव चल रहा होगा 605 पे, या फिर 6010 कर लेते, चलो ठीक है, गैप अप भी होता है एग्जांपल के द्वारा, 6010 पे बाय कर लूंगा मैं, ठीक है। समझो उस पोजीशन पे मेरे को बाइंग मिला, तो न्यूज अच्छी है, ठीक है, न्यूज काफी बेस्ट न्यूज है, तो मार्केट नो डाउट ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे समझो बाय एंड मैं सेल करूंगा, एंड समझो समझो मैं 3 o'clock को, 3 PM मैं क्या करूंगा, सेल का पोजीशन बना लूंगा एट 6:50, समझो 6:50, इतना होता नहीं है बट मैं एग्जांपल के द्वारा समझ, क्या सर आप 50 रुपया एक ही दिन में बढ़ सकते हैं क्या, होता है ऐसा,
पर हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे। यहाँ पे मेरी बाइंग पोजीशन क्या थी, 610, 610 की बाइंग पोजीशन क्या थी। यहाँ पे मेरी सेल की पोजीशन क्या है, 650। तो मालिक मुझे एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट, 40 रुपीज। सॉरी एक सेकेंड, तो एक शेयर पे मेरे को कितना प्रॉफिट मिला मालिक, एक शेयर पे मेरे को कितना प्रॉफिट मिला, 40 रुपीज मिला। ठीक है, 40 रुपीज, मैंने 40 रुपीज, मैंने समझो वहां पे उस दिन मैंने 100 शेयर उठाया। कितना, 100 शेयर, 60 10 × 100, कितने का मैंने उठाया माल, 61,000 का मैंने माल उठाया मालिक। यहाँ पे 100 शेयर उठाया मैंने 61,000 का। अब मेरी पोजिशन बनी है 605 650 × 100। यहाँ पे मेरी पोजीशन बनी है कितनी, 65,000 की मेरी पोजीशन बनी है। अब 61,000 माइनस 65,000 इज इक्वल टू 4,000, ये होती है मेरी प्रॉफिट। समझ में आया आपको, लॉन्ग साइड जाना समझ में आया, लॉन्ग साइड में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉन्ग साइड का मतलब क्या होता है, जब न्यूज नेगेटिव हो या फिर मार्केट, सॉरी, जब न्यूज पॉजिटिव हो या मार्केट पॉजिटिव हो, तो आपको एनी हाउ आपको जाना है लॉन्ग साइड पे। ठीक है, यहीं पे सेम आप शॉर्ट समझेंगे, ये तो सभी को पता है, तो इसमें ज्यादा सब देखेंगे, अब शॉर्ट में हम देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट कैसा करते हैं, तो न्यूज नेगेटिव है, एसबीआई का रिजल्ट आया है, तो न्यूज क्या है, नेगेटिव है मन, कितने हैं, न्यूज क्या है, नेगेटिव है। तो सेम एसबीआई का शेयर्स मैंने क्या करता हूं, 600 पर सेल कर देता हूं। मॉर्निंग में सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सेल करूंगा। अब बोलेंगे सर क्या ऐसा अलाउड है क्या, यस, हमारे एक्सचेंजेस में ये अलाउड है कि आप आपके पोजीशन को सेल कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव अ शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। अगर आपके पास एसबीआई के शेयर्स है ही नहीं है होल्डिंग पे, तो भी आप सेल यहाँ पे कर सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट पोजिशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये मैंने सेल कर दिया, समझो 100 शेयर्स। ठीक है, सेल किया मैंने कितना, 100 शेयर एट द रेट 600, तो मेरे पास कितना हो गया, 600 × 100, तो मैंने 60,000 की पोजिशन क्या की, सेल की। ओके, सेल किया मैंने 60,000 का। अब टाइम हो गई 3 PM, मुझे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। मार्केट एसबीआई गिर गिर के कहां पे आती है, 560 तक पहुंचती है, सेम हम पकड़ लेंगे 560 तक आया। अब जो मैंने पोजीशन सेल की है, मुझे उसको बाय करके वापस अपने ब्रोकर को देना होगा, मालिक देना होगा ना, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बाय कर लूंगा उस पोजीशन को जो मैंने पहले सेल किया था। ठीक है, बाय करूंगा कितने में, 560 में, कितना शेयर, 100, कितने में बाय हुआ मालिक, 550,000, 56,000 में मैंने इसको बाय किया। अब 60,000 माइनस 56,000 इज इक्वल टू 4,000, क्या है मेरा प्रॉफिट। इस तरह से शॉर्ट में आप प्रॉफिट कमा सकते हो, शॉर्ट मार के, समझे, समझ में आया शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, समझ में आया लॉन्ग क्या, लॉन्ग पोजीशन बनाना क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आया, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मालिक। सो प्लीज अगर कुछ रहा तो कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करना, मैं और डिटेल में इस वीडियो को लेके आ जाऊंगा, इसके बारे में और टॉपिक्स लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा जो हमने टॉपिक अभी कवर किया, कौन सा, इक्विटी ट्रेडिंग। अब नेक्स्ट हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग कवर करेंगे, जिसमें हमारा फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, FNO क्या होता है, हम एक छोटा सा बेसिक लेवल पे हम इसको समझेंगे। फिर इसके बाद कमोडिटीज, करेंसी ट्रेडिंग, ये सब चीज तो आपको पता ही है, इसके बारे में वीडियोस अभी नहीं, आगे आएंगे जब हम एक बार स्टेप बाय स्टेप इसमें इन्वॉल्व होंगे मालिक। ठीक है मालिक, तो सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।